नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। शहर के स्टेडियम पार्क से लेकर पहाड़ मुस्तिहार तक हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मिलकर निकिता तोमर के हत्यारे तौसीफ का पुतला फूंका और निकिता को न्याय मिले इसके लिए कैंडल मार्च निकाला गया और फांसी की मांग की। हिंदू जागरण मंच के जिला उपाध्यक्ष ने कहा, इस तरह से किसी हिंदू लड़की की हत्या बहुत ही निंदनीय है और हिंदू जागरण मंच इसकी घटना की घोर निंदा करता है। जो दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हिंदू जागरण मंच के जिला संयोजक विपिन सिंह ने कहा कि बहन निकिता तोमर की हत्यारे तौसीफ और उसका साथ देने वाले रेहान को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हिंदू जागरण मंच जिला महामंत्री कीर्तिमान सिंह तोमर ने कहा कि लफ्ज जिहाद हमारे देश का बहुत ही बड़ा मुद्दा है, इस पर कठोर कानून बनाया जाए और कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान हो जिससे अपराधी लफ्ज जिहाद करने से डरे। इस मौके पर रंजीत सिंह रॉकी, हिमांशु सिंह, दिव्यांशु राय, कीर्तिमान सिंह तोमर, आकाश सिंह, आजाद सिंह, दिव्यांशु सिंह, पीयूष सिंह आदि लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ से अमित खैरवाल की रिपोर्ट। नाम है आपका? अब है प्रताप सिंह। अच्छा, क्या मामला, किस लिए कैंडल मार्च निकाले हैं आप लोग? हम लोग कैंडल मार्च निकिता तोमर के लिए निकाले हैं। ये जो मामला हरियाणा में बल्लभगढ़ सेक्टर 27 की रहने वाली जो छात्रा थी, एक हिंदू छात्रा निकिता तोमर, जो अपने कॉलेज से एग्जाम देकर निकल रही थी, उसको दोषी के द्वारा दिन दहाड़े गोली मार कर हत्या कर दी गई। ये हत्या इसकी वजह से कर दी गई कि वो लव जिहाद को अपनाना नहीं चाहती थी, वो तो अपने धर्म को छोड़ना नहीं चाहती थी, वो मुस्लिम धर्म में जाना नहीं चाहती थी, इसकी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। यह बहुत ही घिनौना अपराध किया गया था तौसीफ के द्वारा और हम इसकी सरकार से ये मांग करते हैं कि उसको जल्द से जल्द फांसी सजा दी जाए। जान के बदले हमको जान चाहिए। वो तो निकिता तोमर एक पढ़ने में बहुत ही होनहार छात्रा थी, अपने स्कूल में हमेशा अव्वल आती थी, उसकी एक IPS बनने की इच्छा थी और ये हमारे समाज के लिए जो ये लव जिहाद शब्द है बहुत ही घिनौना शब्द हमारे धर्म में कहा जाता है ये। और मैं अपने इस न्यूज़ के माध्यम से अपने हिंदू भाइयों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग इस घिनौने अपराध में शामिल न होइए और आपसे अगर कोई ज़बरदस्ती कुछ करना चाहता है तो हिंदू जागरण मंच से जरूर संपर्क करिए। आजमगढ़ मैदान में, आजमगढ़ मैदान में, फांसी को, फांसी को, फांसी।